तो दोपहर के 2:30 बज गए हैं और आप देख लीजिए अभी जाके हमारी रांची की गाड़ी आई हुई है। 2 बजे के बाद एल्युमिनियम वाला भी आ गया फोर्कलिफ्ट हाइड्रा लेके और प्लास्टिक दाने वाला तो भी। इधर ना हमारा एल्युमिनियम वाले का लोडिंग स्टार्ट हो गया है और ये देख लीजिए जिंक जा रहा है। हमारी रांची वाली गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले इसमें छोटा वाला बैग जो है वो लोड हो रहा है, उसके बाद लोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये हाइड्रा आ गई है मटेरियल उठाने के लिए और ये बस ये गाड़ी लोड हो ही गई है और 3-4 इनगट्स हैं ये भी जाएगा। ये देख लीजिए हमारी रांची वाली गाड़ी, देख लीजिए त्रिपाल बांध उनके सब कुछ रेडी कर दिए हैं सब लेबर। गाड़ी में एल्युमिनियम लोड हुआ है असम के लिए, असम में सोनपुर के आसपास कहीं जाएगा ये हमारा मटेरियल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है 8 अप्रैल और सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अपने ऑफिस आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफिस के ब्लॉग्स नहीं बना रहे थे, ब्लॉग्स ना बनाने का रीज़न ये था कि काम कुछ हो नहीं रहा था और एल्युमिनियम वाले का शिफ्टिंग चल रहा है, मैं आप लोगों को बताया ही था पिछले ब्लॉग में। तो एल्युमिनियम वाले का लोडिंग अनलोडिंग क्या ही दिखाऊँ, रोज़ वही काम होता है। फोर्कलिफ्ट अंदर से मटेरियल ला के आगे रखती है और हाइड्रा मटेरियल उठा के ट्रक में लोड करती है, तो वो दिखाने का कोई सेंस बन नहीं रहा था। खैर काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा काम है, आज प्लास्टिक दाने वाले का भी काम है। 25 टन का एक 20 टन का लोडिंग है शायद रांची के लिए और एक 5 टन का लोडिंग है। उसके बाद इसका तो शिफ्टिंग चल रहा है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था एल्युमिनियम वाले का, तो उसका भी काम होगा। मोटा मोटी मान के चले कि आज थोड़ा अच्छा खासा काम है, आज थोड़ा ब्लॉग बनाने लायक है। अदरवाइज चला कुछ काम हो नहीं रहा था तो ब्लॉग क्या ही बनाया, बोरियत होती है, बनाने का भी मन नहीं करता जब कुछ काम धाम नहीं रहता है। तो खैर ये तो मैं आप लोगों को मैं आज का काम बता दिया हूँ। और मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है, मौसम देख लीजिए कैसा हो रखा है, बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है अभी, ये देख लीजिए हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम कुछ दिनों से काफ़ी ठंडा हो रखा है, सुहाना हो रखा है, नहीं तो गर्मी इतनी पड़ रही थी कि हालत ख़राब हो गई थी। पंखा में हम लोग सेलिंग फ़ैन जो चला रहे थे उसको भी चलाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, इतनी गर्मी थी कि। लेकिन कुछ दिनों से मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है। तो आज के इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे ही गाड़ी लोडिंग के लिए आती है फिर हम आपसे मिलेंगे, अभी तो फिर हम लोगों को अभी तो बैठना ही है क्योंकि अभी कोई गाड़ी लोडिंग के लिए नहीं आई हुई है, ना ही लेबर लोग आए हुए हैं। तो दोपहर के 2:30 बज गए हैं और आप देख लीजिए अभी जाके हमारी रांची की गाड़ी आई हुई है 20 टन लोडिंग के लिए और गाड़ी हमारी लोडिंग पॉइंट पर लग रही है। ये हमारी जो लोडिंग होगा, ये हमारी गाड़ी में जो लोडिंग होगा ये 20 टन लोड होगा रांची के लिए। दाना जाएगा लेकिन कौन सा मटेरियल जाएगा ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। फिलहाल आप लोग गाड़ी देख लीजिए, इस गाड़ी में 20 टन मटेरियल लोड होगा रांची के लिए। और इधर एल्युमिनियम वाले की फोर्कलिफ्ट भी आ गई है और हाइड्रा भी आ गई है। हाइड्रा बाहर खड़ी है और फोर्कलिफ्ट अंदर खड़ी है, इसका भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। देखते हैं इनका कब स्टार्ट होता है, इनका भी सुबह से लेकर अभी तक इनका भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ससुरा काम इतना डाउन चल रहा है ना कि पूछिए मत, बैठे बैठे हम लोग बस बोर हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं कि काम कितना हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना रहा हूँ। आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए स्टार्ट भी हुआ कि आज काम रहेगा, इनका भी एल्युमिनियम वाले का भी और प्लास्टिक दाने वाले का भी, तो आज कोई नहीं आया, सुबह से लेकर अभी तक कोई नहीं आया। और 2 बजे के बाद एल्युमिनियम वाला भी आ गया फोर्कलिफ्ट हाइड्रा लेके और प्लास्टिक दाने वाला भी आ गया। खैर प्लास्टिक दाने वाले की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो अपने गाड़ी को ट्रांसपोर्टर को बोल देते हैं, गाड़ियाँ कहीं और रहती हैं, गाड़ियों को दूर से यहाँ पर आने में टाइम भी लगता है। तो खैर तो हम लोग प्लास्टिक दाने वाले को कुछ नहीं बोल सकते हैं, गाड़ियाँ उनके हाथ में नहीं रहती है आना किस टाइम तक भेज देते हैं, वो लोग बोल देते हैं जब ट्रांसपोर्टर गाड़ी भेजता है तो खैर लोडिंग होता है। लेकिन प्लास्टिक एल्युमिनियम वालों को कुछ समझ में नहीं आता, ये जब मन करता है तब गाड़ी लेके भेज देते हैं काम करने के लिए, अब जाके गाड़ी भेजें कोई सेंस नहीं बनता। जब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है तब ये लोग आ गए, ये लोग भी काम करने के लिए, अब दिक्कत होगा हम लोगों के लिए क्योंकि 6 टन की एक और गाड़ी आ रही है उसमें भी 6 टन मटेरियल देना है, वो भी शायद बड़ी गाड़ी है, तो दोनों गाड़ी लगेंगे तो इनका काम रुकेगा, दिक्कत होती है। लेकिन ये लोग भी समझते नहीं हैं, इन लोगों को क्या ही मैं बोलूँ, कुछ इन लोगों को बोलना सर पटकना बराबर है। खैर देखते हैं, 20 टन वाली गाड़ी को लोडिंग पॉइंट पर लगवा दिया है, जैसे ही उसका लोडिंग स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को लोडिंग दिखा दूंगा। कौन सा मटेरियल जाएगा ये भी मुझको नहीं पता क्योंकि अभी तक प्लान नहीं आया हुआ है। और जैसे ही इनका भी लोडिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि इनका लोडिंग स्टार्ट होगा क्योंकि ये लोग हमारा भी वेयरहाउस छोड़ रहे हैं आप लोगों को पता ही है, जैसे ही इनका भी लोडिंग स्टार्ट होता है फिर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो इधर ना हमारा एल्युमिनियम वाले का लोडिंग स्टार्ट हो गया है और ये देख लीजिए जिंक जा रहा है, यही देख लीजिए यही वाला मटेरियल अभी फ़िलहाल जा रहा है, बाकी कौन सा बाद में जाएगा मुझको नहीं पता, लेकिन अभी जिंक जा रहा है, अभी जिंक का लोडिंग होगा। और जिंक मैं आप लोगों को पिछले कई ब्लॉक्स में आप लोगों को दिखा रखा हूँ और आज भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जिंक है लेकिन ये भी एल्युमिनियम है, नाम है इसका जिंक लेकिन इसमें एल्युमिनियम ही आता है, इसका नाम एल्युमिनियम ही है।
तो अभी जाके हमारे रांची वाली गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले इसमें छोटा वाला बैग जो है वो लोड हो रहा है, उसके बाद दूसरा तीन ग्रेड का मटेरियल इसमें लोड होगा। तभी इसमें ये छोटा बैग जो हमारा है ये वाला 1 टन 40 बैग लोड होगा, उसके बाद इसमें बाकी सारा जो 19 टन मटेरियल होगा वो दूसरा लोड होगा। और इधर एक और शायद आई हुई है गाड़ी जिसमें शायद 6 टन मटेरियल आएगा, अभी इसका प्लान अभी नहीं आया हुआ है। और उधर बाहर अभी एलुमिनियम वाले का लोडिंग चल रहा है, छोटी गाड़ी थी तभी छोटी गाड़ी का पहले लोडिंग चल रहा है, उसके बाद शायद कोई बड़ी गाड़ी आएगी तो उसमें भी लोड होगा। अभी फिलहाल एक छोटी गाड़ी आई है उसमें ये जिंक लोड हो रहा है। तो हमारा 1 टन मटेरियल लोड होने के बाद ये वाला मटेरियल लोड होगा, देख लीजिए ये भी दाना ही है, ये दाना है, ये एक ये जाएगा हमारा 2 टन कुछ के जाएगा, मतलब टोटल 83 बैग ये वाला जाएगा। और बाकी का ये मटेरियल देख रहे हो आप ये वाला 677 बैग ये लोड होगा, मतलब ये वाला मटेरियल 677 बैग, ये वाला 83 और बाकी जो पहले वाला बैग लोड हुआ था 40 बैग, दोनों मिला के ये तीनों मटेरियल मिला के 800 बैग हो जाएंगे और 800 बैग में टोटल होते हैं हमारे 20 टन मटेरियल। इधर अब दो मटेरियल पहले लोड हो गया था, अब तीसरा ग्रेड का जो मटेरियल था वो लोड हो रहा है और उसमें टोटल 76 का मटेरियल एक लाइन में आ रहे हैं। पहला वाला जो लाइन था उसमें 90 बैग गए थे छोटा वाला बैग लेके, और बड़ा वाला बैग 50 वो हो गया था 90, और बाकी सब अब 76 के लग के इधर मटेरियल लोड होंगे। और ये देख लीजिए 50 15 हो जाएगा 75 और 75 के ऊपर एक बैग 76, और ये इतना ही ऐसे ही जो लाड लगा हुआ है ये वाला ऐसे ही सारे के सारे लाड लगेंगे और बेड़िया में कुछ बैग चले जाएंगे हमारा जो ऐसा जाता है, उसके बाद टोटल इसमें 800 बैग रांची के लिए लोड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए ना एल्युमिनियम वाले का लोडिंग बंद हुआ था क्योंकि गाड़ी नहीं आई थी, तो गाड़ी आ गई है और मटेरियल इनका जो इनगट्स है, इनगट्स मटेरियल का नाम है इसका, ये वाला जा रहा है, ये भी एल्युमिनियम ही है, अलग अलग नहीं है, ये भी एल्युमिनियम ही है। और ये देख लीजिए लोडिंग स्टार्ट हो गया है, ये हाइड्रा आ गई है मटेरियल उठाने के लिए। अब इसको जो सिकड़ी होता है चैन का सिक्कड़ होता है या फिर पट्टे से फंसा के उसके जो कुंडी है जो हाइड्रा का कुंडी है उसमें लटका दिया जाएगा, उसके बाद हाइड्रा उठा लेगी, उठा के ले जाके गाड़ी में आगे लोड कर देगी। और हमारी रांची वाली गाड़ी भी लोड हो गई है और आधे घंटे में हमारी रांची वाली गाड़ी भी 20 टन में 800 बैग आते हैं, तो हमारी रांची वाली गाड़ी में 20 टन मटेरियल भी लोड हो जाएगा और तब तक इस गाड़ी में भी मटेरियल लोड हो जाएगा। और ये देख लीजिए हाइड्रा मटेरियल उठा रही है, ये देख लीजिए चैन का जो सिक्कड़ी होता है ना लोहे का उसी से फंसाया गया है और उसी से ये हाइड्रा उठा रही है, देख लीजिए कितना मजबूत है वो सिकड़ी, कितना भारी एल्युमिनियम का मटेरियल उठा ले रहा है, ये देख लीजिए ये हाइड्रा उठा के लेके जा रही है और आगे ट्रक में ले जाके लोड कर देगी, ये देख लीजिए कितना मजबूत है चैन, कितना भारी मटेरियल को उठा लिया है, ये देख लीजिए। तो शाम का वक्त हो चुका है, देख लीजिए घर जाने का टाइम हो गया है और एल्युमिनियम वाले का लास्ट ये गाड़ी लोडिंग हो रही है, बस ये गाड़ी लोड हो ही गई है और 3-4 इनगट्स हैं, उसके बाद ये भी गाड़ी हमारी लोड हो जाएगी और इनका भी काम खत्म हो जाएगा। आज तो वही गाड़ी इनका बस लोड हुआ है, कोई शिफ्टिंग का काम इनका नहीं हुआ है, बस लोडिंग हुआ है। और इधर ये देख लीजिए हमारी रांची वाली गाड़ी लोड हो गई है, हमारे लेबर लोग त्रिपाल लगा रहे हैं क्योंकि ड्राइवर अकेले हैं वो त्रिपाल नहीं लगा पाएंगे, तो लेबर लोग त्रिपाल लगा रहा है, जैसे ही त्रिपाल लगा लेगा गाड़ी का कागज़ ओके है, गाड़ी का कागज़ देके हम लोग रांची वाली गाड़ी को हम लोग छोड़ देंगे। तो ये देख लीजिए कौन सा मटेरियल जा रहा है, मैं बोला था इग्नट्स आ रहा था, जिंक गया था, अब जा रहा है इनगट्स, इसका नाम इनगट्स है, ये अब जा रहा है, ये अभी इसके बाद भी एक गाड़ी और है उसके बाद हम जा पाएंगे। और ये देख लीजिए लास्ट टाइम एक बार बाहर का नज़ारा, एक बार ये लास्ट गाड़ी लोड हो रही है, ये देख लीजिए ये वाली गाड़ी जो अभी लगी है, अभी मैं आप लोग को अंदर से दिखा रहा था यही वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी में गमला लोड हो रहा है, फोर्कलिफ्ट सॉरी हाइड्रा लोड कर रही है, और उसके बाद ये गाड़ी भी लोड हो चुकी है और ये गाड़ी भी लोड हो चुकी है। ये गाड़ी का मैं आप लोगों को लोडिंग दिखा रहा था 6 बजे के करीब में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये गाड़ी जा रही है आसाम, ये गाड़ी में एल्युमिनियम लोड हुआ है आसाम के लिए, आसाम में सोनपुर के आसपास कहीं जाएगा ये हमारा मटेरियल लेके एल्युमिनियम। तो अब टाइम हो चुका है आप लोगों से ब्रेक लेने का और अभी बैठे हुए हैं, जस्ट अभी कुछ काम है नहीं, बाहर आके बैठा हुआ हूँ, लोडिंग चल रहा है देख लीजिए उधर,
तो अभी और आधा घंटा काम है, आधा घंटे बाद हम अपने ऑफिस को बंद करके हम चलेंगे अपने घर। और आज का क्या काम हुआ मैं आप लोगों को दिखाई दिया, 20 टन का प्लास्टिक दाना का लोड हुआ है और एक 5 टन का लोडिंग है टोटल, उसका 25 टन का लोडिंग हुआ प्लास्टिक दाने वाले का। उसके बाद इनका सारा काम हो रहा है जो भी हो रहा है, और इनको हमने लेट नेटवर्क करने के लिए जो अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं उसका हमने 4000 रुपया चार्ज किया हुआ है, जिसका अप्रूवल मिल जाएगा कल परसों तक, जो भी होगा मिल जाएगा। तो आज के ब्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि नींद आ रही है, हम लोग भी इंसान ही हैं, 9 बजे से आए हुए हैं सुबह के 9 बजे से, और 8 बज रहे हैं अभी हम अपने वेयर हाउस में, ये तो समझ सकते हैं थकान हो जाती है, पूरे दिन भाग दौड़ करता रहता है आदमी, खैर क्या करें, रुकना तो पड़ेगा, नौकरी तो नौकरी होती है। और ये मैं आप लोग बता दूँ कि आज हम लोगों को इस ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलने वाले, आज हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, बस हम लोग काम कर रहे हैं, नौकरी बचानी है तो करनी तो पड़ेगी, नहीं तो नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन क्या करें मजबूरी है। खैर तो आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म, और फिर मिलेंगे कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, सो बाय, गुड नाइट।